हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ, कक्षा 3 का। आपको सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, जो क्या है हमारे तीसरा है भारत के ऐतिहासिक स्मारक, यानी भारत की ऐतिहासिक यादगारी हमारी जो है। तो देखो, अ है, नीचे भारत के कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक स्मारक को पहचान कर उसके नीचे रिक्त स्थान में उसका सही नाम लिखेंगे। तो नाम नीचे दिए गए हैं, सूची में से चुनना है हमको। तो देखो यहाँ पे ये पहला क्या है हमारा, पहला बच्चों क्या दिया है इसको, ताजमहल। क्या दिया है? ताजमहल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ताजमहल। क्या लिखेंगे बच्चों? ताजमहल। फिर देखो ये क्या है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है हमारा? गेटवे ऑफ इंडिया दिया है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया। फिर देखो तीसरा है हवा महल। तीसरा क्या है? हवा महल। तो हम इसको लिखेंगे हवा महल। ये क्या है, कहाँ आया हुआ है? जयपुर में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? जयपुर में आया हुआ है। फिर ये देखो संसद भवन, ये हमारी जो संसद भवन है ये हमारी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? संसद भवन। ये स्वर्ण मंदिर, ये स्वर्ण मंदिर है, और ये हावड़ा ब्रिज है। तो इस तरह से हम इनके नाम यहाँ पे लिखेंगे, पहले इस कोष्टक में से देख के लिखेंगे। तो यहाँ क्या है? ताजमहल लिखा है, फिर गेटवे ऑफ इंडिया लिखा है, हवा महल है, फिर संसद भवन है, स्वर्ण मंदिर है, और हावड़ा ब्रिज है। तो बच्चों ये आपको इसके नाम लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिए हैं, नीचे कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के चित्र दिए गए, प्रत्येक चित्र को पहचान को और वह स्मारक किस नगर में आया हुआ है इसका सही नाम रिक्त स्थानों पे लिखना है। इसका सही नाम रिक्त स्थानों पे लिखना है। तो देखो पहला क्या है? हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में आया है। कहाँ आया हुआ है? जयपुर में आया हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जयपुर लिखेंगे। मैंने लिखा है बच्चों जयपुर में। फिर देखो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुंबई। फिर तीसरा देखो संसद भवन। संसद भवन कहाँ है हमारी? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो हम यहाँ लिखेंगे नई दिल्ली। फिर स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ आया? पंजाब में। तो ये हम लिखेंगे अमृतसर। और ये जयपुर कहाँ आया हुआ? ये राजस्थान में आया हुआ है। फिर देखो ये क्या है? ताजमहल। ताजमहल कहाँ आया हुआ है? आगरा में आया है। कहाँ आया हुआ है? आगरा में आया हुआ है। फिर ये क्या है? हावड़ा ब्रिज पुल। तो ये कहाँ आया हुआ है हमारा? कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज पुल है जो कहाँ आया हुआ है? कोलकाता में। तो बच्चों ये आपका पार्ट 3 पूरा हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या चित्र दिया है? हमारा ताजमहल है। क्या है? ताजमहल कहाँ आया हुआ है? आगरा में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ताजमहल। फिर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया हमने देखा ना, कहाँ आया हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में आया है, ये मुंबई में आया है। फिर ये हवा महल कहाँ आया हुआ है? जयपुर में आया है। कहाँ है? जयपुर में, राजस्थान में। फिर ये संसद भवन हमारी नई दिल्ली में आया है। फिर स्वर्ण मंदिर अमृतसर यानी के पंजाब में आया है। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में आया हुआ है। तो बच्चों ये हमारे, हम जिस देश में जाएंगे, जैसे राजस्थान है, मुंबई है, आगरा है, नई दिल्ली है, कलकत्ता है, अमृतसर है, इन देशों में हम जाएंगे बच्चों, तो वहाँ पे इन राज्यों में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको ये अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिले। जब भी हम घूमने जाएंगे तो इन चीज़ों को हमको देखना चाहिए। और देखो पीछे हवा महल क्या है? पहला चित्र किसका दिया हुआ है? हवा महल का दिया है। तो हवा महल कहाँ आया हुआ है? जयपुर में आया है। कहाँ आया हुआ है? जयपुर में आया हुआ है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो ये हम यहाँ मुंबई लिखेंगे। फिर तीसरा संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में है। फिर ताजमहल दिया है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में है। फिर हावड़ा ब्रिज है तो क्या है? कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। तो बच्चों आपको इसके उत्तर यहाँ पे हमने कोष्टक में से भी देख के लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ चित्रों के उत्तर भी दिए हुए हैं, तो आप उससे में से भी देख के लिख सकते हो। पर आप अपने आप से यहाँ से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि हमको पता भी चलेगा कि कहाँ से कौन सा
आया हुआ है, कहाँ से कौन सा क्या है, ये हम सबको पता चलेगा। तो बच्चों ये हमको यहाँ से इसमें देख के करना है। अब पीछे भी देखो, हमको यहाँ दिया हुआ है अमृतसर, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, आगरा, नई दिल्ली, यहाँ भी हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से, इसके उत्तर दिए हुए हैं तो आप उसमें से भी देख के लिखोगे और यहाँ से देख के लिखोगे तो भी चल, पर ये आप यहाँ से देख के लिखोगे तो अच्छा है, एग्ज़ाम में आएगा तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख दोगे। वैसे तो मैंने देखो लिख दिया है, फिर भी आप अपने आप से करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों। तो आपको ये एकदम से ये चित्र दिमाग में याद रखने हैं। ये क्या है, ताजमहल है, क्या है हमारा, ताजमहल है, क्या आया है, आगरा में आया है। ताजमहल कहाँ आया है हमारा, आगरा में। फिर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ आया है, मुंबई में आया है, कहाँ आया है, मुंबई में आया है। फिर हवा महल कहाँ है हमारा, राजस्थान में, जयपुर में आया है, कहाँ है, जयपुर में आया है। फिर संसद भवन कहाँ है हमारा, नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हमारा, कहाँ है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कोलकाता में। आप एक बार में इसको एक बार में आप दिमाग में ले लोगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपको ये करना है। और फिर से यहाँ पे इसका दिया भी हुआ है, ये कहाँ कहाँ आए हुए हैं वो आप इसमें से फिर से देख के कर सकते हो। तो देखो, हवा महल जयपुर, गेट ऑफ इंडिया मुंबई, संसद भवन नई दिल्ली, फिर स्वर्ण मंदिर अमृतसर, फिर ताजमहल आगरा, हावड़ा ब्रिज कोलकाता। तो बच्चों आप इस तरह से इसको याद भी कर लोगे। और ये आपको पेज नंबर 7 है जो आपको स्वाध्याय पोथी में भरना है, पेज नंबर 7 है जो स्वाध्याय पोथी में आपको भरना है, और पेज नंबर 8 भी आपको स्वाध्याय पोथी में भरना है। तो बच्चों आपको स्वाध्याय पोथी में मैंने 1, 2, 3 पाठ चला दिए हैं, तो आपको आज तीसरे पाठ में पेज नंबर 7, 8 भरना है। तो आपको इस तरह से अपने आप से ये पेज नंबर भर देना है, एकदम सहला है। जवाब भी दिए हैं, जवाब नहीं तो मैंने वीडियो में भी लिख के भेजे हैं, तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। और नोट में भी आप इनको एक एक दो दो बार लिख के याद करेंगे, और आप स्वाध्याय पोथी कंप्लीट रखेंगे, कभी भी आपकी स्वाध्याय पोथी मंगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना ज़रूर से करेंगे, अपनी स्वाध्याय पोथी में पाठ 3 पूरा करेंगे और होमवर्क की नोट में भी आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।